नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। करंट अफेयर्स की ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। वन लाइनर करंट अफेयर हैं। तो पहला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान का विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? वो है राजस्थान। ये आपके लिए बाइलिंगुअल में है, इंग्लिश में भी आपको ये मिल जाएगी। तो आंचल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन राजस्थान, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया? इसमें भी ये राजस्थान है। तो सौर विद्युतीकरण आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें याद करने की ट्रिक ये रहेगी कि सोलर जो इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है, यानी सूर्य से ऊर्जा, तो ज़्यादातर जो गर्मी पड़ती है वो राजस्थान में पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि वही अव्वल स्थान लेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य स्तर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है, यह भी राजस्थान। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए IPPB के साथ समझौता किया? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा पुनीत सागर अभियान चलाया गया? एनसीसी पुनीत सागर अभियान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? अहमदाबाद। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अहमदाबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीती? तो हरिनी लोगेन ये भारतीय अमेरिकी महिला है, एन इंडियन अमेरिकन वूमेन हरिनी लोगेन। तो ये स्पेलिंग बी इन्होंने प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन महिला एकल किस कौन जीते हैं? महिला एकल इगा स्वीटेक, पोलैंड की हैं इगा स्वीटेक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? राफेल नडाल। हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2022 जीता? पुरुष एकल में तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, और महिला में वही इगा स्वीटेक। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप 2022 जीता? हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी में 2022 का जीता है? मलेशिया को हराकर दक्षिण कोरिया जीती है, साउथ कोरिया। किस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती? हरियाणा। हाल ही में किस देश ने हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इंडिया, हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब। किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, तो इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप यूपी ने जीती है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता? जर्मनी ने। तो अर्जेंटीना ने जीता है जर्मनी को हराकर। हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला? अश्विनी भाटिया। हाल ही में किसे नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? अल्केश कुमार शर्मा। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MD नियुक्त किया गया? ए मणि मेखलाई। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संजीव बजाज। हाल ही में बजराज बेजगज किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? अल्बानिया। हाल ही में किसे SBI के MD के रूप में कार्यभार संभाला है? आलोक कुमार चौधरी।
तो यह थी दोस्तों आज की करंट अफेयर। होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।